डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करता हूँ। फरवरी 2013 में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने को मिला, जो एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। मैं क्लियरली नाम नहीं लूंगा भाई साहब, ज्यादा पड़ती है। 2013 से लेकर के अक्टूबर 18 पर बड़ी शिद्दत से उस एलोवेरा को हमने सेल्स किया, एलोवेरा पे काम किया। टोटल यदि लिखित में इनकम की बातें करूं, जो 15 तारीख को अकाउंट में आती थी, वो टोटल आई होगी 3.5 लाख। लेकिन 30 तारीख को जो अंडर टेबल गई, उसकी कीमत होगी करीब 4.5 लाख। जैसे सर ने कहा ना कि घाटे में चल रहा हूं। दोस्तों, निर्णय लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास लेके फिर से अपने काम को पूर्ण रूप से करूंगा। लेकिन थैंक्स टू अखिलेश जी, मैं चाहूंगा क्लैपिंग अखिलेश जी के लिए। अखिलेश ने जैसे पॉके लाइफ गियर की प्लान दिखाई, मार्केटिंग प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में दिखाया, तो लगा कि मैं अब 100% डायरेक्ट सेलिंग समय अपने को मिल गया। और विद इन सेकेंड, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, उस दिन पैसे नहीं थे, विद इन सेकेंड मैंने अपने पर्स से पैसे निकाले, वो किसी के प्रीमियम के पैसे थे। और विद इन सेकेंड अखिलेश जी को मैंने उस प्रीमियम से पैसे काट के 5000 रुपये दिए थे और ओके लाइफ को करने का फिर से सिद्धत बनाया था। तो अक्टूबर 18 से यदि मैं बात करूँ क्लोजिंग टू क्लोजिंग, तो लगभग 55 लाख रुपये आ चुके हैं। और उस 55 लाख की हिम्मत ये हुई जब लॉकडाउन हुई थी, सोसाइटी में हर लोग सुरगुर कर रहे थे कि भाई ये दिन कैसे चलेगी, नौकरियां जाए कैसे चलेगी। मैं उस टाइम अपना फ्लैट ढूंढ रहा था कि मैं फ्लैट परचेज करूंगा, और आप सभी लोगों के दुआ से मैंने 70 लाख की फ्लैट परचेज किया। तो ये ओके लाइफ में कि जहां एक तरफ देखने में आता था कि ये प्रोडक्ट्स, ये प्लांट्स के बिल्कुल हमारा ये पेमेंट आया, और अंडर टेबल जो साइट मेंटेन में जाती थी, जो कि देखने को नहीं मिलता था, हम लोग छोटे खुश रहते थे, वो सारी खुशी अपने को यहाँ पे मिला। एक चीज शेयर करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमने आए थे, बड़े विश्वास से हमने प्रोडक्ट खिलाया था पूरे परिवार को, लेकिन सिर्फ खिलाया था, और उस खिलाने से हमारी बैंक बैलेंस अदर कमाई की भी खत्म होती थी। और ड्यू टू ब्रेन फ्यूल डॉक्टर साहब, आज मेरी मैसेज बहुत प्रसन्न है, कोई तकलीफें नहीं है, सारी तकलीफ खुश हुई, इसलिए थैंक्स बोलूंगा सबसे पहले प्रोडक्ट ब्रेन फ्यूल को डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं चाहूंगा ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ है, दीपा एंड जसवंत, प्लीज आप अपना शेयर करें। मैं चाहता हूँ एक ब्यूटीफुल कपल के लिए भी हमारे बड़ी मॉर्निंग है। नेक्स्ट मैं चाहूँगा हमारे साथ एक और बैठे हैं, जिनकी भी जर्नी, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, मेरी भी जर्नी बफलो टू फ्लाइट रही है, कि भैंस पे भी बैठ के देखा और फ्लाइट पे भी मौका मिला। तो ऐसे ही मैं चाहूँगा हमारे साथ आदित्य कौल जी हैं, उनके लिए चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके किस मुकाम हासिल किया। गुड इवनिंग, क्योंकि मेरा जब भी शो होता है तो एनर्जेटिक होता है, राइट? तो सबसे पहले एक बार डीके सर और विक्रांत सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। और जो ये सब चाहता है वो मेरी सबसे बड़ी टीम के लिए, एक बार टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि बिना टीम के हम कुछ भी नहीं है, राइट? और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है अखिलेश सर और सोनम मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। 2016 में इस इंडस्ट्री में जन्म हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, उसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब लगभग 4 साल एक कंपनी में काम किया, वी कंपनी में। वहाँ पे दिखाया जाता था कि सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। तो मैंने सपना देख करके वहाँ पे बताया जाता था कि यार वो पोस्टर लगा लो, घर का पोस्टर, बंगले का, गाड़ी का, सब लगा दिए मैंने पोस्टर, सारे पोस्टर लगा दिए।
4 साल हो गए, 4 साल का पेंट उतर गया, पोस्टर फट गया, लेकिन जेब में 20,000 से ज्यादा रुपए महीने के नहीं है। 15-20,000 रुपए एवरेज इनकम थी। बहुत मेहनत की, प्लेटफॉर्म पे प्लान देखा है, हर जगह जगह जाके प्लान देखा है, बहुत मेहनत की, लेकिन कहते हैं भगवान को कुछ और मंजूर था। और अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है तो ऊपर वाला खुद जमीन पे उतरता है। तो भगवान ने मुझे ओके लाइफ केयर दिया। मैंने एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं ओके लाइफ केयर में आ रहा था तो मैंने पर्ची डाली थी, पर्ची समझते हैं, पर्ची डाली थी, और पर्ची में एक में लिखा था कि वी करूं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी थी, नो डाउट नंबर वन कंपनी थी। उस कंपनी में दिल आ गया था, खून में हम लोग ये बात करते थे कि मेरा हाथ काटोगे तो वो निकलेगा खून। अब मैं मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड था, कुछ लोगों ने मेरे सामने भी बोला कि वो तो खून में बसा हुआ है। मैं बोलता था कि सम टाइम ब्लड कैंसर होता है और खून बदलवाना पड़ता है। तो उसके बाद ओके लाइफ केयर मैंने पर्ची डाली, तो सच बताऊं भगवान ने भी ओके लाइफ केयर निकाला। और जब ओके लाइफ केयर ऊपर वाले ने बताया कि इसको कर, दिल से कर, मैंने पहले दिन से काम करना शुरू करा। पहले महीने का चेक 350 रुपए आया। मेरे साथ कोई लोग नहीं आए, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े लीडर होंगे। 4 साल में 10-15 हजार का एवरेज पे आउट था, और कई बार वो 200-300 रुपए ही बनता था सर, साइड मेंटेनेंस, क्योंकि जॉब के साथ साथ करता था। लेकिन दूसरे महीने का चेक 2,000 हुआ, चौथे महीने का चेक मेरा 1,18,000 रुपए आ गया, यानी कि 20,000 से 6.5 लाख रुपए एक साल में मेरा हाईएस्ट चेक, और टोटल एक साल में लगभग 55 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ। बिल गेट्स कहते हैं आप गरीब घर में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है। बिल गेट्स कहते हैं आप गरीब घर में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए, ये तो पूरी आप ही की गलती है। आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो सर हमेशा कस्टमर के बारे में बताते हैं, कंज्यूमर्स के बारे में बताते हैं। पुरानी कंपनी के प्रोडक्ट मैंने अपने घर में दिए थे, किसी ने यूज नहीं करे, एक बार यूज करे, दूसरी बार बोलने लगे महंगा है हम नहीं यूज करेंगे। लेकिन हमें तो दिमाग में सपने डाल दिए गए, बंगला आएगा, कार आएगी, 4 साल बाद ये हो जाएगा, अमीर बन जाओगे, करोड़ों रुपए कमा लोगे, तो हमारे दिमाग में तो वही चलता था सपने। लेकिन जब मैंने सर पहली बार ओके लाइफ करके प्रोडक्ट अगर घर में दिए थे, अभी तक हर महीने मेरे घर में ओके लाइफ करके प्रोडक्ट आते, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, ये प्राउड फील होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उसने बताया जैसे हरीश शर्मा, और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस कंपनी के सीईओ कनादर मिस्टर डी के साहब ने, एक बार जोरदार धन्यवाद। और मुझे आज भी वो याद है सर, वो दिन अक्टूबर का दिन था, रात को हम बैठे थे 10:30 बजे। वैसे मैं बता दूँ कि मुझे शायद 22 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और 22 साल में बहुत सारी कंपनियों को चलते हुए देखा है, बहुत सारी कंपनियों को बंद होते हुए देखा है, बहुत सारी कंपनियों को भागते हुए देखा है। और लास्ट कंपनी में मैं कौन सी में था आप सबको मालूम ही है, एक्सपीरियंस बहुत शिद्दत के साथ, बहुत दिल के साथ हमने भी किया था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उस कंपनी में मुझे नज़र आई कि मैं इस इंडस्ट्री से मन उठ गया, और हकीकत में शायद उस रात को अगर विक्रांत जी और डीके सर नहीं होते तो शायद दुनिया की कोई ताकत मुझे दोबारा नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन कराने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। तो सबसे लिए जोरदार ताली। रात को 10:30 बजे से हमारी मीटिंग चली थी और 2:30 बजे खत्म हुई थी, वो तो सोनम जी की फ्लाइट नहीं होती तो शायद और सुबह चलती। वहाँ पे एक ही चीज़ समझ में आई मुझे, डीके सर ने मुझसे एक ही बात पूछी थी कि अजय जी इतने साल से हैं और इस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्शन में है क्या, तो मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर ये डायरेक्ट सेलिंग है। अगला सवाल उन्होंने मुझसे किया था कि कौन सी कंपनी एक्चुअल में ये कर रही है वो बताओ, तो एक ही कंपनी थी जो राजस्थान की है लेकिन उसमें फिर गया नहीं। तो सारी बातें समझ में आई, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उससे पहले ओके लाइफ केयर के बारे में जो मेरे से थोड़ा बहुत डिस्कस किया, जो मेरे बराबर बैठे डॉक्टर कुमार गौरव साहब और जोरदार तालियों नीचे दीजिए, मेरे पास आए थे कि सर एक कंपनी है ओके लाइफ केयर और उसमें हमारे कुछ लोग टूट टूट के जाने की बात कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसी कमी होगी ओके लाइफ केयर में जो चल के देख लेते, तो मैं तो कमी देखने के लिए आया। लेकिन जो भी डीके सर ने बात बोली थी कि हम अभी गाना गा रहे थे ना कौन सा है कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, तो ठीक है सर बोलते हैं आने की बात करते हैं, तो मैं तो इंडस्ट्री छोड़ने के मूड में था लेकिन उस रात को मैं सो नहीं पाया, और घर जब मैं गया, घर जाने के बाद मैंने डीके सर का पूरा देखा कि ये सिंगर भी हैं, सारी चीजें हैं,
अगले दिन डॉक्टर कुमार गौरव झा को मैंने बुला के एक ही चीज बोली कि आज के बाद अगर हम और हमारी टीम अगर कोई कंपनी करेगी उस कंपनी का नाम होगा ऑप्टिल। बहुत संघर्ष रहा लाइफ के अंदर, बहुत सारी कंपनियों में एक चीज मैं देखता था क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करने में बिलीव करता हूँ। और आप सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो एक बार कंपनी से कहते हैं कि सर कंपनी भागेगी तो नहीं, कंपनी बंद तो नहीं होगी, कंपनी कब तक चलेगी सर, क्या गारंटी है। मेरा मानना यह है कि कंपनी ईमानदार तब हो सकती है जब आप और हम सब, और इस बात के लिए जोरदार ताली बजाएंगे कि दुनिया की सबसे ईमानदार कंपनी में हम सब लोग। और आप लोग कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनवरी जो नया साल स्टार्ट हुआ है, मैंने तो एक नाम दिया है ओके लाइफ केयर को कि मेरी जिंदगी में ओके लाइफ केयर अब एक बिजनेस नहीं है, मेरी जिंदगी में ओके लाइफ केयर एक मिशन है। वाओ गजब, इतनी शानदार जर्नी रही कि जब रात को हम बैठे थे डीपी सर ने मुझसे एक बात पूछी थी कि अजय जी पिछली कंपनी में हाईएस्ट चेक कितना था, तो मेरा हाईएस्ट चेक था वहां पे 113,670 रुपए। और उन्होंने बोला यहाँ पे कब तक दिख रहे हो, तो आप बिलीव करेंगे मेरे को खुद बिलीव नहीं था। मैंने डीपी सर को एक बात बोली थी सर 6 महीने बाद मैं अपना चेक यहाँ पे देख रहा हूँ 1,00,000 रुपए। तो डीके सर हंसने लगे थे और विक्रांत सर भी हंसने लगे थे, और डीके सर ने एक बात बोली थी कि ये बहुत लेट देख रहे हैं आप, दो काम करने के लिए तैयार हो जाना, पहला फॉर्म उठाने के लिए तैयार हो जाना, दूसरा भागने के लिए तैयार हो जाना। और खुल के अगर काम करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगले 4 महीने में आपका चेक अगर 3,00,000 क्रॉस ना हो करे तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। और आप बिलीव नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद एक लीडर आ रहा हूँ जी के सर मुझे कुछ अलग से सपोर्ट करेंगे, और यही हुआ। मैंने जब अपना रेजिग्नेशन डाला इतने फोन आए, पहले महीने का चेक 34,000 और दूसरे महीने का चेक 1,00,000 क्रॉस हुआ, और हाईएस्ट चेक यहाँ से 7,00,000 रुपए रहा, और अभी तक लगभग 58,00,000 रुपए जो है मेरे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सभी दोस्तों मेरी तरफ से दिल से आपको नमन, और मेरी तो एक कहानी बहुत अजीब तरह की हुई है। इस इंडस्ट्री में 24 साल पूरा कर चुका हूं, हिंदुस्तान की पहली मल्टी लेवल मार्केटिंग से आज तक, और डीके सारंग जी का हमारा साथ 20-22 साल पुराना एक दोस्ताना रहा संग रहे कई जी। जब इस कंपनी में आए थे तो हमारे साथ तो और तरह की घटनाएं घटती थी, आपके साथ तो और तरह की प्रॉब्लम आई है, हमारे साथ और तरह की प्रॉब्लम आई। हम तो जाते थे किसी को प्राण समझाते थे, और हम पे चैलेंज ये होता था कि आपकी कंपनी कुछ महीने में भाग जाएगी। हम बिल्डिंग बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो लोग कहते थे कि ये किसी कनाडा के बंदे की फैक्ट्री है और वो तुम्हें कुछ 4-6 महीने के लिए लीज पे देके गया है। आप हमें रजिस्ट्री दिखानी पड़ती थी कि नहीं भाई साहब ये जमीन हमारे नाम की है, रजिस्ट्री दे। मतलब हमने संघर्ष और तरह किया, और उस संघर्ष का हिसाब ये रहा कि आज चेक के रूप में तो कुछ बताने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास आप लोगों के लिए। कैपर ऐसे दौर होता है आडवाणी जी वाला, रथ यात्रा लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन दो चीज़ें बहुत अच्छी बता रहा हूँ आपको, इस इंडस्ट्री का 24 साल से देखा दो मिथक थे भारत में जो टूटते थे। एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों के होते हैं, और विदेशी कंपनियों क्वालिटी होती है महंगे। पहला मिथक तो ओके ने ये तोड़ा, इसके लिए स्पेशल थैंक्स डॉक्टर विक्रांत जी। और दूसरा मिथक ये था कि नेटवर्किंग में बिना रैंक के काम चलता नहीं। मैं तो हंसा करता था कि इस इंडस्ट्री में भारत के नेटवर्करों की ये हालत कर दी है कि शर्ट उतरवाओगे तो बनियान में छेद, और शूज उतरवाओगे तो मोजे में छेद मिलता है, और टाई गले पर पक्की रहे। मतलब एक चेंज तो आया है, देखो मैं भी फील करता हूँ। जब मैं सोशल मीडिया को देखता था 3-4 साल पहले तो लिखा आता था गो क्राउन गो ये गो ये, ओके के आने के बाद ये होता है गो 1,00,000 गो 2,00,000 गो 5,00,000। यहाँ सीधी बैंक की बात हो रही है, रैंक की बात नहीं हो रही। तो दूसरा जो मिथक तोड़ा गया कि बिना रैंक के भी बिजनेस और पैसा कमाया जा सकता है, वो ओके ने तोड़ा। उस बात के लिए थैंक यू करते हैं डॉक्टर सॉरी डीके सारंग जी का एक ताली हो। साथियों मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ, इस कंपनी का जिस दिन रजिस्ट्रेशन आया था ROC से, उससे पहले मेरा नेटवर्क में
नाम है और मैं चाहता हूं जब तक ये कंपनी रहे तब तक इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ रहूं, चेक बड़े छोटे जो आप हमारे, ये भी मेरे चेक जो मेरे पास आ रहे हैं, बोल रहे बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं चाहूँगा कि आप एक थोड़े से पावरफुल नेचर वाले, थोड़ा सा फास्ट बोलते स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलते हैं, मनोज परिहार जी का भी एक्सपीरियंस हम सुनना चाहते हैं। मनोज जी को प्लीज माइक दे दीजिए। जी परिहार साहब, आपके पास 1.5 मिनट है, अपना इंजन पहले से ही गर्म करके रखना है। साथियों नमस्कार, नाम मनोज परिहार, साउथ दिल्ली से बिलोंग करता हूं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री ने 98 में एमवे कंपनी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और वहां से अगर मैं बात करूं 98 से लेकर 2010 तक का जो एक्सपीरियंस रहा, कुछ कंपनियां की पैसे भी कमाए, काफी अच्छा नेटवर्क भी बनाया, लेकिन 2010 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ चुका था। कारण के कुछ कंपनियां चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी में आता है तो वो एक सपने को लेके आता है कि मेरा सपना यहां से पूरा हो जाएगा, ये कंपनी मेरा भाग्य बदल देगी, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिसकी वजह से वो उस कंपनी को 4 से 6 महीने में छोड़ जाता है। कभी ये तो कभी वो, तो कभी वो तो कभी वो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से वो उसको छोड़ जाता है। यस एंड नो, लेकिन ऐसा ही चलता रहा 98 से 2010 तक, 3 कंपनियां की, और उसके बाद मैं 2010 में ये सोच चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग अब नहीं करूंगा। जब तक इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग लीगल नहीं होगी, सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक नहीं करूंगा, ये सोच चुका था। लेकिन 2016 सितंबर में जब मैंने गाइडलाइन देखी, गाइडलाइन आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल हो रही है, सिस्टम बनने वाला है, गाइडलाइन आ रही है, बहुत कुछ बनने वाला है, तब जाके मैंने सोचा कि शायद वो वक्त आ गया है कि अब इंडिया की कोई ना कोई अच्छी कंपनी को देखा जाए। देखा जाए, अभी गाइडलाइन आई है लेकिन 4 से 5 साल लगेंगे इंडिया में इसको, अभी इंडिया में अच्छी तरह से अवेयरनेस आने में, लेकिन जब तक हम बहुत बड़े बन चुके होंगे, अगर एक अच्छी कंपनी हमें मिल जाती है तो। उस समय 2 कंपनियां मेरे सामने थी, पहली कंपनी डेक्कन हेल्थ केयर, मैं उस कंपनी की विजिट करके आया और विजिट करके आने के 10 दिन बाद यानी कि 2 नवंबर 2016 को केला स्केयर की शुरुआत हुई और मैं 17 नवंबर के आसपास केला स्केयर में आया और उससे 10 दिन पहले मैं डेक्कन हेल्थ केयर देख के आया, बड़ी फैक्ट्री, सब कुछ ताम झाम बहुत अच्छा था, लेकिन जब केला स्केयर को देखा, डीके सर से मिला, उन्होंने बताया मेरा विजन ये है, मैं आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वो करने वाला हूं कि अगर इंडिया में कोई कंपनी चलेगी तो वो ओके ही चलेगी। लेकिन जब उन्होंने बताया मैं ये भी करूंगा, ऐसा भी लाऊंगा, वैसा भी लाऊंगा, ये भी होगा, वो भी होगा, अपनी फैक्ट्री होगी, अपना सब कुछ होगा, लेकिन तब मन में एक ही बात आ रही थी, आज तक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे एमडी बहुत सुने हैं, आएगा, होगा, पता नहीं कब। तो मैंने कहा नो, और मैं ओके लाइफ केयर, शायद मेरी बदकिस्मती उस समय मैं ओके लाइफ केयर को ज्वाइन नहीं किया मैंने, और मैंने डेक्कन हेल्थ केयर को स्टार्ट किया और वहां पर लगभग 2.5 साल अपने दिए और 3 महीने में उस कंपनी के टॉप अचीवर को बीट कर चुका था और जितने दिन रहा उस कंपनी में हाइएस्ट पे आउट मेरा था, लेकिन वहां मेरा जो पे आउट चल रहा था 7 से 7.5 लाख रुपए महीने का, 7 से 7.5 लाख, वो जब नीचे देखो तो किसी का 1 लाख भी नहीं था, सबसे बड़ी यही मेरे को जो परेशानी होती थी कि नीचे नेटवर्क में पैसा नहीं आ पा रहा है किसी भी कारणवश, बड़ा परेशान था, मिस कमिटमेंट थे, काफी चीजें थी, लेकिन जब परेशान था उसी समय, क्योंकि डीके सर से मेरी 3-4-5 महीने में बात होती रहती थी, वो पूछते रहते थे कि मनोज भाई कैसा चल रहा है, क्योंकि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी डीके सर की जो लास्ट कंपनी थी वो डेक्कन हेल्थ केयर ही थी उस समय। तब दोबारा से फरवरी की अगर मैं बात करता हूं, फरवरी में मैंने जब दोबारा से इस सिस्टम को देखा और ओके लाइफ केयर के बारे में सुना,
डीके सर से मिला और मिलने के बाद डिसीजन लिया कि यस अब मुझे ओके लाइफ के को स्टार्ट करना है, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने बोली थी कि मैं ये फर्क लाऊंगा, ये कुछ होगा, वो सामने था। उन्होंने कहा 5 रुपए 10 रुपए के प्रोडक्ट भी सामने होंगे, वो थे। उन्होंने कहा अपनी लैब होगी थी, उन्होंने कहा अपनी R&D होगी थी, उन्होंने कहा मेरा ऑफिस होगा था। करूँ फरवरी 2019, 1.5 मिनट में तो मार रहा हूँ, कंप्लीट हो चुका है। फरवरी 2019, और जब मैंने शुरुआत की तो 3 महीने मैंने लिए पीछे की काफी सारी, क्योंकि टीम भी थी, सब कुछ था, सबको सेटल करना था। और जो 2 जून 2019 मेरा पहला दिन था, 2 जून 2019 जब मैंने उसके लाइफ केयर की शुरुआत की, और पहले महीने का जो पे आउट था 41,000 था, लेकिन 7.5 लाख छोड़ के आया था, रनिंग इनकम को छोड़ के आया था। उसके सामने 41 कुछ नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ था, क्योंकि मेरा चेक अगर 41,000 था तो मेरे टीम ने 20,000 रुपए था। मुझे मेरे 41,000 की चिंता नहीं थी, मुझे मेरे नीचे की चिंता थी। दूसरे महीने का चेक 95,000, उसके बाद तीसरे महीने का चेक 2,54,000, फिर 4,79,000, 4,88,000, 5,93,000, और कहते हो आज 15 लाख रुपए महीने की इनकम को एंजॉय कर रहा है। ओके लाइफ के वाओ ग्रेट। और अगर आज मैं बात करूं लॉकडाउन पीरियड पिछले 8 महीने की इनकम बात करूं तो 89 लाख रुपीस, और अगर टोटल 18 महीने मुझे हुए हैं, पूरे 18 महीने की इनकम की बात करूं तो 1,70,00,000 रुपए में ऐसा पहुंच गया।